वेल्डर पाई आखिर जत्न आई केयर फॉर वेल्डर वर्कर। साधारणतः आम आखिर जत्न किपर नेवा उचित और तहार कौन महत्व अछि? सर्वप्रथमे वेल्डर मान को जानवा उचित संतुलित आहार विहार करवा उचित। संतुलित आहार विहार मान खाद्य अधिक मात्रा रे सबुज पनीपरिया सेवन करवा उचित, जथा सजना शाग, पालंग शाग, कंचा कदमी, अमृतभंडा आदि एगुड़ा प्रचुर मात्रा रे खाद्य ग्रहण करवा उचित, कारण यही सब पनीपरिया आखिप बहुत हितकारी। आदि जड़े आमिष खाऊंट से आमिष अंडा, चिकेन, माछ, मांस आदि समस्त जिनस खाद्य ग्रहण करेंगे। तो आउतापर आपण द्वितीय कथा है जो मैंने ओल्डर काम करें आखि को बारंबार थंडा पानी धोवा उचित, आखि को विश्राम देवा उचित, प्रत्येक दु तीन घंटा काम कर सारापर किसी समय पर विश्राम नवा उचित, राति प्रचुर मात्र शोवा उचित, सात आठ घंटा पखापाखि शोवा उचित। आते बड़े आप कम को जामु आसुंट आप आखि को सब सफा पा सफा थंडा पाने वेल्डिंग रो काम करिबा समय रे वेल्डर को केउ सावधानता अवलंबन करिबा उचित? वेल्डर जो कंपनी रे काम करछि से कंपनी रो सब नियमावली को पालन करिबा उचित। काम करिबा पूर्व जो कंपनी तांको जो पीपी किट दोउछि ताको पिंधिबा उचित, आखे आखिरे चश्मा, हेलमेट, पादरे जोता, आ जो पोशाक दौर वेल्डिंग काम करने जो पोशाक दौर से गुड़ाक नित्य परिधान करवा उचित। कंपनी नियमावली अनुसार काम करवा उचित, आम कर प्रत्येक दु घंटे थे थे आखि को विश्राम देवा उचित, सफा पानी सफा थंडा पानी आखि को धोवा उचित। आदि आखि को आखिरे जब कौन प्रकार वेदना रोच कि असुविधा रोचे तेल डाक्तर परामर्श करवा उचित। काम सारिबा परे वेल्डर को प्रतिदिन घर को जाई आखिर किपरि जत्न नेबा उचित? वेल्डर जेतेबेले घर को जाउची सेतेबेले घरे प्रथमे हाथ को भल भाव धोबा उचित, मैला अवस्था हाथ को आखि को नेबा उचित नुहे, सफा पानी रे बारंबार मुह को धोबा उचित। जेतेबेले बाहर को बाहर छथि सेतेबेले कला चश्मा पिंधा उचित। आदि आखिर कौन प्रकार वेदना अनुभूत होती डाक्तर परामर्श अनुसार औषध सेवन करवा उचित। आबुठ मुख्य कथा है नियमित हिसाब से खावा उचित, खाद्य पर संतुलित आहार विहार करवा उचित। जदि कौन कारण आखि उज्जवल आलोक पड़े तेरे वेल्डर को वेल्डिंग जगार लोक मान कौन करवा उचित? कौन से असाधारणता वशत जदि उज्जवल आलोक आखिरे पड़े ताहले वेल्डर सर्वप्रथम कौन करवा उचित, आखि को सफा थंडा पानी रे धोवा उचित। जदि वेदना अनुभूत होती जलापड़ा होती ताहले आइस पैक मध्य आइस को थंडा बरफ को आणिके आखिरे दबा उचित। आदि ताबातरे भी जदि कौन प्रकार वेदना होती कि कौन असुविधा होती डाक्तर परामर्श करवा उचित। जदि वेल्डिंग रो काम करिबा समय रे निया झुलो आखि को चली जाए तबे वर्कशॉप पा कामर जागा रे कौन फर्स्ट एड देबा उचित? जदि कोनसे असावधानता वशतः जदि निया झुलो आखि को आखिरे पड़ी जाउछि ताले आदम व्यस्त हो उचित नहि। सर्वप्रथमे कोन करबा उचित आखि को सफा ठंडा पानी रे बारंबार बारंबार धोइबा उचित। तातरे जदि भी ता पादरे भी जदि कोनसे प्रकार जलापड़ा होछि किबा वेदना अनुभूत होछि ताले कोनसे देरी न करके निकटस्थ डाक्तर डाक्तरखाना को नहीं डाक्तर परामर्श अनुसार औषध सेवन करवा उचित। जदि पाखे कौन लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप अच्छी ताहले मध्य आपण पकाई पारे प्राथमिक चिकित्सा हिसाब से पकाई पारे। वेल्डर को किछि समय व्यवधान रे निज आखिर चेकअप करिने बा उचित कि? निश्चित भाव वेल्डर को छ मास कि वर्षे व्यवधान में आखि चक्षुर परीक्षा करवा उचित, कारण से बारंबार जो उज्जवल रश्मि संस्पर्श आखिका चक्षु खराब हबार बहुत संभावना थाए, तो से आखि को सुरक्षित रखापी
प्रत्येक 6 मास थरे थरे डाक्तर परामर्श हिसाब से आई चेकअप करवा उचित। कारण बेले बेले आम एमती है कौन से असावधानता वशत आखिर बहुत गुड़े रोग हबार संभावना थाए जोटा असावधानता जो विभिन्न प्रकार रोग हबार थाए रोग हबार संभावना थाए एड़ेबा पई प्रत्येक 6 मास रे किंबा वर्ष रे थरे थरे डाक्तर परामर्श अनुसार औषध सेवन करवा उचित। वेल्डर प्रथम कर्तव्य है सब बेले सफा सुतरा अवलम्बन करवा उचित जमी आखिर कौन सी प्रकार धूली धूआ प्रवेश न हुए से जो बाहर को जाऊँगी से आखिरे कला चश्मा पिंधिकी बाहर उचित किंबा आउ कौन भी कर प्रत्येक जदि लुब्रिकेटिंग आईड्रप अच्छे आईड्रप आईड्रप भी पकेबा उचित प्रत्येक मासे 2 मास व्यवधान में निहाती भाव पकेबार अच्छे।